दोस्तों, अगर आपका सारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों सारा इंडिया की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। खुशखबरी ये है कि जितने भी लोगों का सारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है, सभी लोगों को यहाँ पर रिफंड मिलना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि उस नए पोर्टल के माध्यम से आप अपने सारा इंडिया का पैसा जो भी फंसा हुआ है उसको आप रिफंड में ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं कि सारा इंडिया में जो भी पैसा फंसा है उसका रिफंड आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है और इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए। अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर जो भी आप रिफंड लेना चाहेंगे वो आपका फंस जाएगा, यानी फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो भी प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं ये ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है। तो मुख्य बातें यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, सबसे पहले आपको यही हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारे व्यूवर हैं जो वीडियो को देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सारा इंडिया का रिफंड पैसा लेने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि इस पोर्टल का नाम है केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल। इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिफंड लेने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सहारा इंडिया का पैसा रिफंड लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस होने वाला है और उससे पहले आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो जो भी आपका रिफंड आने वाला रहेगा वो आपका नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ मुख्य बातें आपको जान लेना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सामान्य प्रश्न का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक PDF ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई है, तो ये चीज आपको जानना जरूरी हो जाता है। पर लिखा हुआ है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सभी को नहीं मालूम होता। आपके मन में प्रश्न है उसका जवाब यहाँ पर दिया गया है। पहला सवाल दिया गया है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है, यानी कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये पोर्टल क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सहारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों जमाकर्ताओं के रिफंड एम्प्रेस संस्करण के लिए डिजाइन किया गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया है कि ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है कि सारा इंडिया में जो भी पैसा फंसा है उसको आप रिफंड ले सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि क्या ये सारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है या नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जी हाँ, CRCS सारा रिफंड पोर्टल SSL प्रमाण पत्र के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि दोस्तों ये जो पोर्टल है बिल्कुल सुरक्षित है, ये सेफ है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दिया गया है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड लेने के लिए कौन पात्र हैं, यानी कि इसका रिफंड लेने के लिए कौन कौन से लोग इसके पात्र हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, हम आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको बता देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग का ज़्यादा समय हम ना लें। उसके बाद दिया गया है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है, तो ये लिखा हुआ है कि दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया होना चाहिए और बकाया राशि प्राप्य होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है कि किसको यहाँ पर पैसा रिफंड दिया जाएगा, यानी आप कौन से डेट में आपने पैसा जमा किया था। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 मार्च 2022 के पहले अगर आप सारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं तभी आप इसका रिफंड लेने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो पूरा जो भी आपके मन में सवाल है आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर एक मुख्य बात और लिखा हुआ है, चलिए उसको भी हम बता देते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि कैसे आपको रिफंड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जमाकर्ता को दावा अनुरोध प्रपत्र आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता होगा, ऑनलाइन रिफंड लेने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहला दिया गया है सदस्यता संख्या, उसके बाद जमा खाता संख्या, ये सब सभी आपका सारा इंडिया में जो भी चीज कागजात मिला होगा वो चीजें आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य है, यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, अगर आपका लिंक नहीं होगा
तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका लिंक नहीं है तो आप करवा लीजिए पोस्ट ऑफिस से। उसमें क्या है कि आपका 24 से 72 घंटा के अंदर आपका लिंक हो जाएगा। अगर आप आधार सेंटर से करेंगे तो आपका ज्यादा समय लग सकता है। तो बेहतर होगा कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर लिंक करवाइए। उसके बाद है जमा प्रमाण पत्र, यानी कि सहारा इंडिया की तरफ से एक पासबुक मिलेगा, वो पासबुक भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है पैन कार्ड, यदि दावा राशि यानी 50,000 और अधिक है तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है। यानी अगर आपका 50,000 से अधिक है सारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ, तो उसका रिफंड लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। अगर 50,000 रुपया से कम है तो आपके पास पैन कार्ड नहीं रहेगा, तब भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर 50,000 से अधिक पैसा है तो आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। अगर आपको तो आपको क्या करना है कि अगर आपको पैन कार्ड जल्दी बनाना है तो उसके लिए ई फिलिंग पोर्टल पर जाकर आप बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं तो आपको इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह दावा है, यानी यह जरूरी है कि 50,000 से अधिक पैसा है तो पैन कार्ड होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि जी हाँ, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा। तो यहाँ पर साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है जो कि हमने आपको बता दिया है। अब लिखा हुआ है क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है। जी हाँ, जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसके बिना दावा अनुरोध पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, इसका पैसा रिफंड लेने के लिए आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से और आपके खाता से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आपका पैसा रिफंड आ सकता है। अब यहाँ पर दिया गया कि आधार कार्ड को कैसे मोबाइल से लिंक करना है, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया, तो उतना आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। बस इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया जो कि आपको रीड कर लेना है, लेकिन यहाँ पर जो मेन मेन चीज़ें थी हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है। तो अभी यहाँ पर हमने हिंदी में कन्वर्ट किया था, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हमें एक ऑप्शन मिल जाता है डिपोजिटर स्टेशन, अगर हिंदी में हम करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है जमाकर्ता पंजीकरण। तो यहाँ पर अपने हिसाब से लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डिपोजिटर रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर फिल करना है, यानी लास्ट 4 डिजिट आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और फिर गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने सेकंड स्टेप आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना ओटीपी फिल करना है, जो भी ओटीपी आता है। उसके बाद ओटीपी यहाँ पर सत्यापित करना है, यानी वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते ही दोस्तों तीसरा स्टेप आ जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा डिपोजिटर लॉगिन का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इतना काम करने के बाद हमारे पास कोई भी कस्टमर नहीं कि जिसका हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं, लेकिन इसका यहाँ पर एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाया गया जो कि लाइव प्रूफ यहाँ पर आप इसी तरीके से अप्लाई करना है। और अभी क्या है कि ये पोर्टल अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन इस पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा डिटेल्स में बताया है, रियल तरीका है ऐसा आपको करना है। तो इतना करने के बाद आपको जमाकर्ता लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने तीसरा स्टेप आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर आप लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लास्ट का डालना है 4 अंक, फिर आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद फिर ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी पर क्लिक करते ही चौथा स्टेप आ जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी आता है, उस ओटीपी को फिल करके सत्यापित करना है। उसके बाद 5वां स्टेप आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर फिर 6 स्टेप ओपन हो जाता है। अब यहाँ से कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको सहमत करना होता है, तो इसमें आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही 6वां स्टेप ओपन हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है व्यक्तिगत विवरण, यानी कि यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, जो भी पूरा आधार नंबर वो टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी आपका आएगा, ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपना यहाँ पर ओटीपी को फिल करेंगे और यहाँ पर ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको अपना कुछ डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पहला नाम टाइप करेंगे, अगर आपका मिडिल नेम है उसको टाइप करेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम टाइप करेंगे,
आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप टाइप कर देंगे और यहाँ से आपको पिता या पति का नाम फिल कर देना है। बाद दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप फिल कर सकते हैं, हालांकि ये उतना जरूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यानी अगला बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आ जाएगा यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो जमाकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित विवरण दर्ज करेगा, जिसमें यहाँ पर आपको अपना सोसाइटी का नाम फिल करेंगे, यानी सारा इंडिया का जो आपको सोसाइटी नाम मिलेगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे, उसका जो मेंबरशिप संख्या होगा वो फिल करेंगे, खाता संख्या टाइप करेंगे, पासबुक नंबर या प्रमाण पत्र नंबर जो भी आपको मिला है वो आप टाइप करेंगे, खाता आपने कब खुलवाया था उसका डेट यहाँ पर फिल करेंगे। ये सभी डिटेल्स आपको सारा इंडिया की तरफ से जो खाता मिलता है उसी में आपको ये डिटेल्स सब कुछ मिल जाएगा, आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जमा योगदान राशि यहाँ पर टाइप करेंगे कि आपने कितना अमाउंट जमा किया था। उसके बाद यहाँ से दिया गया है कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है, अगर हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे कि आपने सोसाइटी से ऋण लिया है, अगर आप लिए होंगे तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर आप नहीं लिए हैं तो इसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ से आपको जमा प्रमाण पत्र अपलोड करना है, पासबुक मिला है उसको अपलोड करेंगे तो उसका जो फाइल साइज है इसमें 3 MB होना चाहिए, अगर 3 MB से अधिक होगा तो फिर यहाँ पर आपका नहीं लेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है दावा जोड़े, यानी एड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, इसमें आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स फिल किया, जिस पर आपका सदस्य संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर इसमें कुछ भी गलत होता है तो एडिट का ऑप्शन मिलेगा या फिर यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक PDF प्राप्त हो जाएगा, यानी यहाँ पर इस PDF को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस PDF को आपको सबसे पहले प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ से आपको एक फोटो अपलोड करना है, इस जो भी आप PDF को प्रिंट करते हैं उसमें यहाँ पर फोटो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जमाकर्ता का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर साइन कर देना है और यहाँ पर आपको अपना प्लेस फिल कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 5वां स्टेप, जिसमें यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दावा आवेदन पत्र अपलोड करना है, आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर अभी प्रिंट करके फोटो चिपकाए उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अगर आपका अमाउंट 50,000 से अधिक है तो यहाँ पर पैन नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर पैन कार्ड की फोटो कॉपी भी अपलोड करना है और यहाँ पर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। ऊपर क्लिक करते ही अब नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा, धन्यवाद, हम आपके दावों की प्राप्ति स्वीकार करते हैं, आपका दावा अनुरोध संख्या मिल जाएगा, यानी यहाँ पर आपको स्टेटस नंबर 1 मिल जाएगा जो कि इसको आप यहाँ पर स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है और ये बहुत जल्द अप्रूव हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है कि दोस्तों ये जो वेबसाइट है अभी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अभी पूरा अच्छे तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने PDF का फॉर्मेट से बताया कि कैसे आपको ऑनलाइन रिफंड के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर दिया गया हाउ टू अप्लाई, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस PDF को देखकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर हमने जिस तरीके से वीडियो में दिखाया उस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके आप देखते जाइएगा और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाना है, तो कुछ इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे थ्रू से अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पर किसी का कस्टमर का भी नहीं मिला है, जिस तरह से हम यहाँ पर पूरा आपको पूरा लाइव प्रोसेस करके दिखा सकते थे लेकिन अभी नहीं है, आपको हमारे थ्रू से किसी को अप्लाई करवाना है अगर, तो आप हमें ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है आपको ईमेल करना पड़ेगा, आपको मेरे पर विश्वास भी करना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा तभी आप भेजिएगा सोच समझ करके। और जो भी यहाँ पर आपका डिटेल्स देगा यहाँ पर हम सभी को ब्लर कर देंगे, हाइड कर देंगे। अगर ऐसा कोई है हमारे सब्सक्राइबर तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम उससे फिर आपके लिए हेल्प करना चाहेंगे और जब यहाँ पर पूरा लाइव प्रोसेस दिखाएंगे तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप ऑनलाइन रिफंड ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय।